तो दोस्तों, आज आप लोगों का एक सच्चाई से सामना कराता हूँ। देखो, आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है। और कोई भी पर्सन इस दुनिया में, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो, आपको हमेशा मोटिवेटेड भी नहीं रख सकता है। और इन सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना होता है, इन सिचुएशन में आप लोगों को डिसिप्लिन्ड रहना होता है। जो आप कार्य कर रहे हो उसको निरंतर करते रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। क्योंकि मोटिवेशन आपके अंदर से जब तक नहीं आएगी, जो कि रेगुलर नहीं होती है, उसको बार बार उजागर करना पड़ता है, तब तक आप लोग डिसिप्लिन रहिए। तो अब जो सिचुएशन चल रही होगी, उसमें आपका मोटिवेशन कभी ऊपर जा रहा होगा, कभी नीचे जा रहा होगा, ओके, तो वो साइन कर्व यहाँ पर एक ले रहा होगा। तो डिसिप्लिन रहिए, मोटिवेटेड खुद से खुद होते चलिए। बस आज इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। हेलो एवरीवन, स्टडिया इसमें आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है मई 17, 2019, और डे है फ्राइडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैं अन अकेडमी पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर हूँ। अगर आप लोग अन अकेडमी के प्लस मॉडल की तरफ मूव कर रहे हो, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करके मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकते हो। नीचे लिंक पे मेरा टेलीग्राम आईडी लिखी होगी, तो वहाँ पर जाएं, मुझे कांटेक्ट करें अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पे मैक्सिमम बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट भी आप लोग लेना चाहते हो। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का सवाल था, कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ विटामिन्स मिनरल्स एंड देयर डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर था C1, 3 एंड 5 ओनली। उम्मीद है आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। आपके लिए आज का सवाल, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द RBI's रिसेंटली पब्लिश्ड विजन डॉक्यूमेंट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019 to 2021 आर ट्रू। अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना विजन रिलीज किया, एक नया डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है जिसका नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019 to 2021। इससे रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए तीन स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो ये डॉक्यूमेंट है, इसका यहाँ पर जो गोल है, जो विजन है, वो है कि हम लोग एक हाईली डिजिटल और कैश लाइट सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ सकें थ्रू दी गोल पोस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि जो पेमेंट सिस्टम का जो लैंडस्केप है, इट विल कंटिन्यू टू चेंज विद फर्दर इनोवेशन एंड एंट्री ऑफ मोर प्लेयर्स, विच इज एक्सपेक्टेड टू एंश्योर द ऑप्टिमल कॉस्ट टू द कस्टमर्स एंड फ्रीयर एक्सेस टू मल्टीपल पेमेंट सिस्टम ऑप्शंस। ये कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है पेमेंट सिस्टम के अंदर। जब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो जो कस्टमर्स होंगे उनके लिए जो कॉस्ट होगी वो बहुत ही ऑप्टिमम रहने वाली है। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि RBI विल कंटिन्यू टू इंटरवीन हैविली इन द प्राइसिंग ऑफ चार्जेस टू द कस्टमर्स फॉर डिजिटल पेमेंट, और जितने भी एफर्ट्स होंगे दैट विल बी मेड टुवर्ड्स फैसिलिटेटिंग द ऑपरेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम विच आर एफिशिएंट एंड प्राइस अट्रैक्टिव। आपके लिए ऑप्शंस हैं A1 and 2 ओनली, B2 and 3 ओनली, C1 and 3 ओनली, या D ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से अपने अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू की पहली खबर के साथ। पेज नंबर 1, आपको खबर मिलती है US प्रेसिडेंट अनाउंसेस न्यू पॉइंट्स बेस्ड ग्रीन कार्ड सिस्टम। यहां पर ग्रीन कार्ड के बारे में बात हो रही है, जिसको आप लोग यहां पे PR कार्ड भी कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी का भी हम लोग इसको कार्ड कहते हैं। तो जो US के जो अंदर जो लोग रहते हैं उनको ग्रीन कार्ड मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर कि ग्रीन कार्ड हासिल करना है, और ग्रीन कार्ड अलग अलग तरीके से हासिल किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अनाउंस किया एक नया प्रपोजल, जो कि शेड्यूल्ड प्रपोजल है। अभी इसके अंदर जो पूरी की पूरी डिटेल्स हमारे सामने नहीं आई हैं, बट मीडिया रिपोर्ट्स ने इनमें से बहुत सारी चीज़ों को रिवील किया। यहाँ पर जिन लोगों को फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड मिलते थे उनके नंबर कम करने की बात हो रही है, और जिन लोगों को यहाँ पर स्किल बेसिस पे या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या जो और जो यहाँ पे फैक्टर्स थे, जो कि बेसिकली स्किल्ड फैक्टर्स से बिलोंग करते हैं, उसके बेसिस पे जो ग्रीन कार्ड दिए जाते थे उनकी जो संख्या है वो बढ़ाने की बात की जा रही है। जो प्लान है उसको बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप का बेसिकली ये कहना है इस चीज़ से बॉर्डर सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ सकेगी, और एजाइलम के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो यहाँ पर शरणार्थी होते हैं जो कि एक देश से आकर दूसरे देश के अंदर रहने लगते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग दलाई लामा के बारे में बात करें, तो दलाई लामा बेसिकली तिब्बत से बिलोंग करते हैं जो कि चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, बट वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं एक एजाइलम के अंदर। तो जो एजाइलम के प्रोसीजर्स हैं उन्हें भी डोनाल्ड ट्रंप टाइट करने की बात कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप का जो नया प्लान है उसके अंदर डायरेक्टली ये चीज़ बोली गई है कि जो नंबर ऑफ ग्रीन कार्ड्स यहाँ पर जो स्किल रूट से दिए जाते हैं वो बढ़ जाएंगे इन कंपेरिजन टू जो फैमिली बेस्ड रूट से दिए जाते हैं। मान लो किसी के हस्बैंड के पास ग्रीन कार्ड है और किसी की वाइफ किसी और कंट्री से है, तो वो अगर आ जाती हैं तो ग्रीन कार्ड मिल जाता है, ठीक है। या किसी के जो फैमिली मेम्बर हैं वो अगर डायरेक्टली आते हैं यूएस के अंदर, तो उन्हें यहाँ पर जो ग्रीन कार्ड मिलने के चांसेज होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। उनके मुकाबले अब प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को जो कि स्किल रूट से आएंगे, जो कि स्किल्ड लोग होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली ये चाहते हैं कि उनके देश में जो भी यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट बने उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रह सके यूएस की डेवलपमेंट के अंदर। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक नए टाइप का वीज़ा भी अनाउंस यहाँ पर हो सकता है जिसको बोला जाएगा बिल्ड अमेरिका वीज़ा। इसकी डिटेल्स अभी भी पूरी तरीके से हमारे लिए सामने नहीं आई हैं, बट हम लोग इसको ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये उन लोगों को दिया जाएगा जो कि एक्स्ट्रा स्किल्ड लोग होंगे, टेक्निकली यहाँ पर स्किल्ड होंगे, जिनकी वजह से यूएस इकोनॉमी थोड़ी सी उछाल मार सकेगी। यहाँ पे पॉइंट्स अवॉर्ड किए जाएंगे नए एप्लीकेंट्स को अपनी एजुकेशन के बेसिस पे, वर्ल्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, और ज़्यादातर यहाँ पर जितने यंगर वर्कर्स होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या एबिलिटी है, जो नए इमिग्रेंट्स हैं दे विल हैव टू शो दैट दे कैन फाइनेंशियली सपोर्ट देम सेल्फ एंड दे विल नीड टू पास अ सिविक्स एग्जामिनेशन, जो एक एग्जामिनेशन भी वहाँ पर पास करना होगा। करेंटली 12% जिन लोगों को ग्रीन कार्ड मिलता है वो स्किल बेस्ड वीज़ाज की बेसिस पे होता है, जैसे H1B वीज़ा किसी के पास है ज़्यादा समय तक के लिए US में रह लिए तो उनको PR कार्ड मिल जाता है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है। वेल 66% जो यहाँ पर ग्रीन कार्ड मिलते हैं वो फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड्स मिलते हैं। जो फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड दिए जा रहे हैं उनका यहाँ पर US की इकोनॉमी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं होता है। और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी स्ट्रेटेजी के अंदर ये एक और नया स्टेप है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 1 पे आपको खबर मिलती है यूज़ ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स वरीसम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DS हुड्डा जी, जो कि मेन आर्किटेक्ट थे 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक का, जो कि उरी टेरर अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर बेस्ड कैंप्स के ऊपर की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आज की डेट में मिलिट्री का इस्तेमाल पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट कर रही हैं पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स को जीतने के लिए, और मिलिट्री के यहाँ पर जो कामों के ऊपर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में चिंताजनक बात है। इंडियन आर्मी के जो फॉर्मर नॉर्दर्न कमांड चीफ हैं ये, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो टॉक्स हैं उनको पॉलिटिसाइज किया जाता है मिलिट्री की, और ज़्यादा यहाँ पर एग्जैजरेट भी किया जाता है। इस चीज़ से रिलेट करते हुए आप लोगों के मन में एक सवाल आना चाहिए कि हम लोग किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये छिड़ रहा है कि जो जिस तरीके से इंडियन आर्मी की जो अचीवमेंट्स हैं, क्या उनका इस्तेमाल हम लोगों को पॉलिटिकल स्पीचेस के अंदर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर हम लोगों को एक नया प्रोविज़न जोड़ देना चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ी सलाह है जो कि आज की डेट में चल रही है। यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि पॉलिटिकली जो चीज़ें यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, चाहे वो आर्मी के ऊपर सवाल करना हो या आर्मी के जो यहाँ पर अचीवमेंट्स होते हैं उनको एग्जेजरेट करके यहाँ पर वोट हासिल करना हो, वो यहाँ पर हमारी आर्मी की जो यहाँ पर स्टैंडिंग है, जो हमारी जो इंडियन आर्मी की जो यहाँ पर स्टेटस है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देती है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं दे आर मोरली इनकरेक्ट। इंडियन आर्मी जो है वो सबकी आर्मी है, वो जो काम करती हैं उनका सबको सल्यूट है, बट इस तरीके से जस्ट कि यहाँ पर जो वोट्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा सके, उसके लिए हम लोगों को इंडियन आर्मी की अचीवमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको एक और तरीके से सोचें तो यहाँ पर जो हमारी आर्मी होती है वो खुद से सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाती, बिकॉज इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट इन नेचर, तो हमेशा ही एक एग्जीक्यूटिव होल्डिंग रहती है। तो जो आर्मी की जो परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव के जो डिसीजंस होते हैं उनका भी बहुत बड़ा असर होता है, और इस बेसिस पे जब एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर उन सब चीज़ों को प्रोपोगेट करने लगते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर एक गलत संदेश देती हैं पूरे के पूरे देश में। ऑल दो एग्जीक्यूटिव्स किसी की भी सरकार होती है, अगर इंडियन आर्मी उस समय इंडिपेंडेंट बिहेव करती है, बहुत अच्छे यहाँ पर काम करती है, तो हमें सराहना करनी चाहिए, बट उनका सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो इसी के ऊपर यहाँ पर सवाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DS हुड्डा जी ने भी उठाए। पेज नंबर 5 पे आपको एक और खबर मिलती है
स्कॉचिंग हीट फोर्सेस एनिमल्स आउट ऑफ सेशाचलम बायोस्फेयर. बायोस्फेयर क्या होता है? बायोस्फेयर इज दैट प्लेस इन द लैंड ऑन द एटमोसफेयर जहां पर आपको प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे. यहां पर बात हो रही है सेशाचलम बायोस्फेयर के बारे में, जिसकी पोजीशन भी आप लोग यहां पर देख सकते हो. इसके ऊपर ये रहा नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, ये रहा यहां पे नगर होल, और यहां पे है सत्यमंगलम. अब यहां पर जो सेशाचलम बायोस्फेयर रिजर्व है उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो ये है कि सेशाचलम बायोस्फेयर रिजर्व के अंदर हम लोगों को कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और बदलाव का बड़ा कारण यहां पर है क्लाइमेट चेंज. 45 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर पहुँच रहा है. जो वाइल्ड एनिमल्स हैं सेशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, जो कि चित्तौड़ और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्प्रेड हैं, उनके लिए बहुत ही मुसीबत वाली घड़ी है. और ये जो फेनोमेना है ये प्रोसीड कर रहे हैं रेनफॉल डेफिसिट को भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश के अंदर भी हम लोगों को ड्रॉट लाइक कंडीशन देखने को मिल रही हैं, खासकर साइक्लोन फोनी के बाद. यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ हीट है वो हाईएस्ट है अभी तक की इस पर्टिकुलर बायोस्फीयर के अंदर. और इसकी यहाँ पर वजह से क्या हो रहा है, जो सबसे जो शाय यहाँ पर एनिमल्स हैं, सबसे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं जैसे पैंगोलिन, जैसे स्लेंडर लॉरिस, वो भी यहाँ पर अपने हैबिटेट को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं. पैंगोलिन के बारे में बात याद रखना कि जो हमारे पैंगोलिन होते हैं, इट इज़ द ओनली मैमल जो कि पूरी की पूरी तरह से स्केल से घिरा हुआ है, एज वेल एज सबसे ज़्यादा इलीगली ट्रेड होने वाला एनिमल भी यहाँ पर पैंगोलिन है. और ख़ासकर चाइना के अंदर जो पैंगोलिन्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इलीगली ट्रेड किया जाता है. जो चाइनीज़ पैंगोलिन है उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर रखा हुआ है, और इंडियन पैंगोलिन्स की अगर हम लोग बात करते हैं उनको एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर रखा हुआ है. सवाल यहाँ पर यही है कि क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है. जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, वो हम लोगों को दिन में यहाँ पर पानी की प्यास में घूमते हुए नजर आए हैं. यहाँ पर हम लोगों को कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि यहाँ पर पेड़ों के ऊपर ही रहते थे, उनके ब्रांचेस पे ही रहते थे, वो भी हम लोगों को ज़मीन पे यहाँ पर पानी की तलाश में घूमते हुए नजर आए हैं, क्योंकि वो भी ग्लोबल वार्मिंग के एक बहुत बड़े विक्टिम हो चुके हैं. क्योंकि पानी की यहाँ पर कमी है ड्रॉट की वजह से, और पेड़ भी कटे जा रहे हैं. जो सेशाचलम बायोस्फीयर है वहाँ पर जो चंदन के पेड़ होते हैं उनको भी इलीगली बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है. द स्पीसीज इज कंसिडर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन फॉरेस्ट पैरलेंसिस. पैंगोलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है दैट हैज फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स इन दिस पर्टिकुलर बायोस्फीयर, जो कि यहाँ पर फूड और पानी की कमी की वजह से अपने हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं. पिछले 3 सालों में हमें रेनफॉल का फेलियर दिखाई दिया है. अर्थ डेवलपिंग क्लाउड्स होते हैं इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द बायोस्फीयर, वो नहीं यहाँ पर हो रहे हैं, और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो छोटे छोटे क्रिएचर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत वाली हो गई है, खासकर सेशाचलम बायोस्फीयर के अंदर. आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पे. आपको खबर मिलती है क्रॉप इंश्योरेंस फेल, ओनली 8 करोड़ स्पेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट. यहाँ पर जो जिक्र है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में. मैंने आपको मिजोरम से रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ाई थी, जिस न्यूज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि मिजोरम के अंदर जो मेज कल्टीवेशन है वो हम लोगों को फॉल आर्मी वॉर्म की वजह से इम्पैक्ट होती हुई नज़र आई है. और यहाँ पर जो फार्मर्स थे वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लोगों को मिजोरम के अंदर इम्प्लीमेंट होती हुई नहीं नज़र आई, एज वेल एज जो फार्मर्स हैं उनके पास किसी भी टाइप की यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं थी अपनी क्रॉप कवरेजेस के लिए. तो फिर तो फार्मर्स की यहाँ पर क्रॉप खराब हो गई, ऊपर से उनके पास यहाँ पर इंश्योरेंस भी नहीं था. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी सरकार की वन ऑफ दी मोस्ट फ्लैगशिप स्कीम थी. 2016 के अंदर ये हमारे सामने आई, और जो पुरानी हमारी स्कीम थी उनसे ये बेहतर इसलिए हुई थी क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कवर किया था, और यहाँ पे जो प्रीमियम रेट थे वो भी बहुत ज़्यादा कम थे. पर कोई भी जो इंश्योरेंस स्कीम होती है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एरिया होता है, जो क्लस्टर होता है, उसके अंदर यही प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं. अब यहाँ पर सवाल उसी चीज़ पर उठाए गए हैं कि 1400 करोड़ रुपीज़ ईयरमार्क किए गए थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ हमें 8 करोड़ रुपए खर्च होते हुए नजर आए हैं, जो कि 0.5% है. पिछले साल के अंदर सिर्फ वही खर्च हुए. 4 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उनको कवर ही नहीं किया गया इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर. इनफैक्ट
जो फार्मर्स हैं इन सेवन स्टेट्स के अंदर और चार यूनियन टेरिटरीज के अंदर, उनको कवर नहीं किया गया इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इन दिस खरीफ एंड समर सीजन। और यहाँ पर जो खरीफ सीजन है उसके स्विंग मंथ भी आ रहा है अगले महीने। कुछ जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं जैसे बिहार हैं, वेस्ट बंगाल है, उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर कर लिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके पास कुछ यहाँ पर ऐसी स्टेट स्कीम वो लेकर आएंगे और इस तरीके की वो पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं वो अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट्स के पास यहाँ पर पूरे अधिकार हैं। पंजाब की बात करें, पंजाब ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था इस स्कीम के अंदर। दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करते हैं तो वो अर्बन स्पेसिस के अंदर आते हैं, वहाँ फार्मर्स बहुत ज़्यादा कम है तो इसलिए उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करती हैं कि वहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको कोई भी प्रॉफिट नज़र नहीं आता है, तो वो वहाँ पर जो टेंडर खुलते हैं वहाँ पे प्रीमियम रेट्स बहुत ज़्यादा बताते हैं तो सरकार उन्हें नहीं दे पाती, और साथ ही जो स्टेट बजटरी रिसोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। मिज़ोरम के अंदर जो बात हुई उसने यहाँ पर बड़े सवाल पेश ये कर दिए हैं कि सरकार यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज़ को क्यों नहीं लेकर आ पा रही है कि वो यहाँ पर एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में एक मीडिएटर के रूप में यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करा सके। ऑल दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का 2.5% ही कल्टिवेबल लैंड है और हम लोगों ने 10% जो बजट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर उसे ईयरमार्क किया है, पर यहां पर फंड बार बार लैप्स हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड हैव नेवर बीन कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। कभी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को कवर ही नहीं किया गया, और यहां पर मिजोरम और मणिपुर अब इस स्कीम के जो इनिशियल सीजन है इससे कवर होना चालू होंगे। इंश्योरेंस कंपनी बिट तो करती हैं पर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड नहीं है, ऊपर से ज़मीन बहुत छोटी छोटी होती है, फार्मर्स के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो इंप्लीमेंट कर सके। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को करनी चाहिए वो है उनके फार्मर्स के प्रोडक्ट की मार्केटिंग, जिससे यहाँ पर वो जो फार्मर्स हैं वो थोड़े से प्रॉफिटेबल चीज़ में आगे बढ़ सकें। साथ ही लैक ऑफ फोरकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम को पेनिट्रेट करने से रोक रहा है। सेंटर यहाँ पर इस चीज़ को आर्ग्यू करती है कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं जो कि यहाँ पर इंटरेस्टेड ही नहीं है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में, और फाइनली नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान होता है हमारे किसानों का। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पेज नंबर 7 पे, प्रपोजल टू हॉल्ट वेस्ट डंपिंग डिफीटेड। बात हो रही है यहाँ पर बेसल कन्वेंशन के बारे में। बेसल कन्वेंशन के हम इस महीने सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो एडिशन हुआ है वो ये है कि बेसल कन्वेंशन जो कि है मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट से डील करता हुआ, कि यहाँ पर जो डेवलप्ड देश थे वो जो डेवलपिंग देशों के अंदर अपनी जो हजार्डस वेस्ट थे जैसे प्लास्टिक्स है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, बाकी सारी चीज़ें थी, उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते थे, उनके लिए यहाँ पर बेसल कन्वेंशन आया था। अब इसके अंदर जो अपडेट हुआ है वो ये है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बेसल कन्वेंशन के अंदर जोड़ दिया गया है, जिससे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को अगर कोई एक देश दूसरे देश में डंप करता है तो वो इलीगल हो, क्योंकि बेसल कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है अपने मेंबर देशों के लिए। उसी के बारे में यहाँ पर बात हुई कि बेसल कन्वेंशन जो जनेवा के अंदर चल रहा था वो कॉन्क्लूड हुआ, और जो इंडिया ने वहाँ पर प्रपोजल रखा था कि यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ उन्हें रोका जा सके कि वो जो अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर डालते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर एक नया रिजोल्यूशन है। सबसे बड़ा जो यहाँ पर गाइडलाइन हमारे सामने आई वो ये था, इसकी आउटकम जो था इस पर्टिकुलर का वो ये था कि इस कन्वेंशन के अंदर प्लास्टिक वेस्ट को इंक्लूड कर दिया गया है इन दिस पर्टिकुलर लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। पर यहाँ पे इंडिया चाहता था कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी इंक्लूड किया जाए, ओके, ना ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ना ही रेडियो एक्टिव वेस्ट इंक्लूडेड है बेसल कन्वेंशन के अंदर। तो जो पॉल्यूशन होता है प्लास्टिक वेस्ट है एक्नॉलेज्ड एज अ मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल कंसर्न, जो कि एक एपिडेमिक प्रपोर्शन के अंदर पहुंच गया है। अभी यूनाइटेड नेशन ने भी रिसेंटली यही बोला था कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट है। अगर 2030 तक हम लोगों ने प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर बड़े कदम नहीं उठाए तो जो माइक्रो प्लास्टिक की संख्या है हम लोगों को समुद्र के अंदर फिशेस से भी ज़्यादा होती हुई नजर आएंगी। पर इंडिया ने यहाँ पर एक बड़ा ही सवाल क्रिएट किया है कि जो एग्रीमेंट यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर साइन किया उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसे यहाँ पर कैटेगरी हैं जिनके अंदर प्लास्टिक वेस्ट को एक्सपोर्ट करना सही है, तो वो चीज़ यहाँ पर क्यों अलाउ की गई,
उन चीज़ों के ऊपर क्यों बड़े कदम नहीं उठाए गए, सिर्फ इंडिया और नाइजीरिया ही ऐसे दो देश थे जो कि इन चीज़ों को स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे। देखो ऑल दो इंडिया के अंदर जो लॉज हैं वो नहीं अलाउ करते कि इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक वेस्ट को इम्पोर्ट किया जा सके हमारे देश में, पर प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के जो रिसाइकलर्स हैं जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर हैं, उनको परमिट किया गया है कि वो जो वेस्ट होते हैं उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ रिसाइकलिंग पर्पस के लिए। डिस्पाइट दीज रिस्ट्रिक्शन जो हमारे देश हैं वो अभी भी शिप करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ प्लास्टिक, अलग अलग टाइप ऑफ ई वेस्ट टू द इंडियन पोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पे, आपको एक और खबर देखने को मिलती है, स्टॉप फेलिंग ट्रीज फॉर पूरी चैरियट्स सेज रिसर्च सेंटर। जिस तरीके से हमें एक बड़ा डिस्ट्रक्शन होता हुआ नजर आ रहा है साइक्लोन फोनी की वजह से, यहाँ पे वैदिक साइंस रिसर्च सेंटर जो कि उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है, उसका ये कहना है कि यहाँ पर जगन्नाथपुरी के अंदर जब श्री जगन्नाथ जी के यहाँ पर चैरियट निकलते हैं तो हर साल वहाँ पे क्या होता है, जो चैरियट्स होते हैं उनको बनाया जाता है, हर साल पेड़ को काटकर वहाँ पे फिर से टिम्बर की कटिंग के बाद चैरियट्स को बनाया जाता है। यहाँ पर बड़ी चीज़ यही बोली जा रही है कि ये जो पेड़ों की जो कटिंग होती है इसको हमें रोकना चाहिए, और जो नए चैरियट्स जो बनाए जाते हैं उन सब चीज़ों को हमें रोकना चाहिए क्योंकि पहले ही साइक्लोन फोनी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि लैक्स ऑफ मैच्योर ट्रीज हैव फॉलन ड्यू टू द साइक्लोन, और यहाँ पे जो रथ यात्रा होती है जो कि जुलाई के अंदर होने वाली है, तो उसके अंदर जो नए चैरियट्स बनाए जाते हैं, जो तीन चैरियट्स बनाए जाते हैं तीनों भगवानों के, तो उनके लिए यहाँ पर टिम्बर का कलेक्शन होता है और उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15,000 क्यूबिक फीट ऑफ टिम्बर को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे तीन चैरियट को बनाने के लिए। देखो अब ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये यहाँ पर जो सवाल खड़े कर रहा है वो ये है कि हम लोगों को किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये एक बेसिकली एक एथिकल डायलेमा है। अब एथिकल डायलेमा क्या है, एथिकल डायलेमा इज़ कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि किसी भी रिलीजन की यहाँ पे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके बीच में और यहाँ पर हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके प्रोटेक्शन के बीच में हम लोगों को किस चीज़ को चुनना है, तो एक एथिकल डायलेमा है ये। आगे बढ़ते हैं, आपको एक और खबर मिलती है, पैक्ट विल एड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज टू फाइट टेररिज्म। यहाँ पर इंडिया और यूएस के बारे में बात हो रही है कि इंडिया और यूएस ने, मैंने आपको बताया था कि चार जो बड़े बड़े यहाँ पर एग्रीमेंट यूएस साइन करता है अपने अलाइड देशों के साथ, उनमें से तीन हम लोगों ने साइन आउट कर लिए हैं जिनके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन में लिया था, चाहे वो कॉमकासा हो, ओके, चाहे वो लमाओ हो, उसके बारे में डिस्कशन लिया था। अभी हम लोगों ने बी का साइन नहीं किया है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन साइन नहीं किया है, जिसके अंदर जियो स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन होती हैं जो सैटेलाइट की मदद से आती हैं वो मिलिट्री और सिविलियन बेसिस पे ट्रांसफ़र हो सकेंगी। हम लोगों ने कॉमकासा साइन किया है जिसकी मदद से इंडिया प्रोक्योर कर सकेगा स्पेशलाइज इक्विपमेंट फॉर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ओरिजिन मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे उसी के बारे में बात की गई है कि इंडिया और यूएस यहाँ पर टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे दोनों सिचुएशन में, चाहे वो लैंड से हो या सी से हो। और यहाँ पर जो एडमिरल रिचर्डसन हैं उन्होंने बोला है कि फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन कर लिया है विच इंडिया साइंड लास्ट ईयर, और उसके बेसिस पे इंडिया और यूएस इसी तरीके से अपने मिलिट्री रिलेशंस आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन के अंदर चल रही थी। हमारी INS कोलकाता और INS शक्ति यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं IMDEX के अंदर। IMDEX के बाद हमारी ये दोनों शिप नेवी P8I के साथ यहाँ पर जाएंगी 26th एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि मई 16 से मई 22 तक चलने वाला है। जो सिम्बेक्स है वो लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया यहाँ पर कर रही है किसी भी पर्टिकुलर देश के साथ। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, पेज नंबर 12 पे आपको खबर मिलती है, इमेजेस ऑफ ईरान मिसाइल्स सेट ऑफ US अलर्ट। अब इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको बहुत ही तेज़ी से एक बैकग्राउंड डिटेल दे देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं ईरान न्यूक्लियर डील के साथ। ईरान न्यूक्लियर डील यहाँ पर P5+1 देशों ने और साथ में यूरोपियन यूनियन ने साइन करी 2015 के अंदर, जिसके अंदर ईरान से यह वादा किया गया था कि ईरान के ऊपर जो कुछ सैंक्शंस लगे हुए हैं वो हटा दिए जाएंगे और ईरान यहाँ पर इकोनॉमिकली फ्री ट्रेड कर पाएगा, खासकर ऑयल सेक्टर के अंदर। ईरान ने भी इन सब चीज़ों को माना और ईरान ने अपनी तरफ से वादा किया कि ईरान जो यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है
उसको रोक देगा और ईरान के अंदर जितनी भी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट हैं ईरान उनको स्टॉप कर देगा। हमारे सामने एक बड़ा अपडेट हुआ 2018 के अंदर, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को इस पर्टिकुलर डील से बाहर कर लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को इस डील से बाहर करने के बाद ईरान के ऊपर अपनी तरफ से यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए, और यहाँ पर नवंबर के अंदर देशों को बोल दिया गया कि जो भी ईरान के साथ यहाँ पर ट्रेड करेगा उसके खिलाफ भी यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस लगाएगा। नवंबर 2018 के अंदर 8 ऐसे देश थे, देयर वर 8 कंट्रीज, जिनको यहाँ पर वेवर दिए गए कि वो ईरान से ऑयल ले सकते हैं, जिसमें इंडिया और चाइना दो इम्पॉर्टेंट देश थे। यहाँ पर 2 मई 2019 को वो वेवर ख़त्म होते हुए नज़र आए, और यहाँ पे ईरान से ऑयल लेना इन 8 देशों ने भी बंद कर दिया। और इंडिया के लिए यहाँ पर एक बड़ा संकट ये आ गया था कि ईरान इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, खासकर एनर्जी सेक्टर के अंदर, और ईरान और इंडिया के रिलेशन वैसे भी बहुत अच्छे हैं, खासकर अगर हम लोग छाबहार पोर्ट के बारे में बात करें। इसके बाद जो अपडेट हुआ हमारे सामने वो ये हुआ कि यूएस ने यहाँ पर ईरान की जो यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी आर्मी है, ओके, ईरान रिवॉल्यूशनरी कॉप्स हैं, उनको यहाँ पर एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लिस्ट कर दिया। ईरान ने भी उसके रिटेलिएशन में यूएस आर्मी को लिस्ट कर दिया एज टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जिसमें उन्होंने ISIS को डाला हुआ है। अब इसके बाद जो एक बड़ी अपडेट हुई वो ये हुई कि ईरान ने 60 डेज का समय दिया, 7 दिन का समय दिया बाकी सारे न्यूक्लियर डील के बचे हुए देशों को कि आप या तो हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाओ, नहीं तो हम लोग यहाँ पर इस डील से बाहर आ जाएंगे और जो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम है उसे फिर से बढ़ा देंगे, न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को अपनी चालू कर देंगे। ईरान का यहाँ पर ये कहना है कि जब हमारे ऊपर सैंक्शंस फिर से लगा ही दिए गए हैं तो इस पर्टिकुलर डील का क्या फ़ायदा। फिर यहाँ पर यूएस को एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट मिली जिसके अंदर उन्होंने ये देखा कि ईरान शायद उन देशों के ऊपर अटैक कर सकता है जो कि यूएस के अलाए हैं, तो यूएस ने अपनी वॉर शिप्स यहाँ पर गल्फ कंट्री के अंदर लगा दी। इसके बाद हमें एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली जब 2 सऊदी अरेबिया की जो शिप्स थी उन्हें सबोटेज कर लिया गया। इसी के रिस्पेक्ट में बाकी सारी चीज़ें जो हमारे सामने अपडेट हुई हैं वो ये है कि इंटेलिजेंस दैट कॉज द व्हाइट हाउस टू एस्केलेट इट्स वार्निंग अबाउट द थ्रेट फ्रॉम ईरान केम फ्रॉम द फोटोग्राफ्स ऑफ मिसाइल्स ऑन स्मॉल बोट्स इन द गल्फ दैट वर पुट ऑन बोर्ड बाय ईरानियन पैरामिलिट्री फोर्सेस। यूएस का यह कहना है कि जो ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स है, खासकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स, उन्होंने कुछ छोटी छोटी शिप्स के ऊपर मिसाइल्स लगा रखी थी। इसी को यहाँ पर देखते हुए यूएस ने अपनी ट्रूप्स को लगाना चालू कर दिया है इराक के अंदर और गल्फ नेशंस के अंदर। पेज नंबर 12 आपको अगली खबर मिलती है, जीडीपी नंबर्स सजेस्ट हाई ग्रोथ इन मीडियम टर्म सेल्स पैनल। 15th फिनेंस कमीशन जिसको हेड कर रहे हैं एनके सिंह जी, और यहाँ पर फिनेंस मिनिस्ट्री के बीच में बातचीत चल रही थी। यहाँ पर बताया गया कि इंडिया के जो जीडीपी नंबर हैं वो इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि एक हाई ग्रोथ की तरफ इंडिया आगे बढ़ सकती है, और पिछले कुछ सालों में हमें फ्लक्चुएशन तो देखने को मिली बट अभी हम लोग एक हाई ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। द कमीशन ऑब्जर्व दैट जीडीपी नंबर्स हैव समवट फ्लक्चुएटेड विद इन द ओवरऑल ग्लोबल ट्रेंड, पर आगे हम लोगों को एक स्मूथ ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो वो एक हेल्दी मैनर में आगे बढ़ रहे हैं, पर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें उसको भी स्टेबलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पिछले साल के अंदर सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा GST के अंदर यहाँ पर टैक्स कलेक्शन किया। साथ ही कमिश्नर ऑफ मिनिस्ट्री का यहाँ पर यह भी मानना है कि जो एक्सपेंडिचर साइड है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और रैशनलाइज करना चाहिए हम लोगों को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को। 15th फिनेंस कमीशन हैज़ बीन होल्डिंग डिटेल डिस्कशन विद द फिनेंस मिनिस्ट्री ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, खासकर यहाँ पे बात हो रही है 7th पे कमीशन के कॉन्सिक्वेंसिस के बारे में और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का क्या यहाँ पर पोजीशन रहने वाला है। ओके, तो ये सब आपके लिए आज खबरें थी। कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर बताना बिल्कुल मत भूलना। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड Have a good day ahead.